इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टर्निंग ऑन है, पावर वाली लाइट इसकी ऑन है, ये कीबोर्ड की लाइट भी नीचे से इसकी ऑन है, ये चेक कर रहे हैं, कीबोर्ड की लाइट भी इसकी ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है ना इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, कई दफ़ा इसको इसका पावर वाला बटन जो है इसको ऑन करके ऑफ़ करें 2 से 3 दफ़ा तो फिर इसका डिस्प्ले भी कई दफ़ा शो हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी डिस्प्ले नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर इसकी लाइट्स ऑन है, ऐसे लग रहा है जैसे मदरबोर्ड नीचे से जो है ना वो डिस्प्ले दे रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। चलें चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड E6430 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टर्निंग ऑन है, पावर वाली लाइट इसकी ऑन है, ये कीबोर्ड की लाइट भी नीचे से इसकी ऑन है, ये चेक कर रहे हैं, कीबोर्ड की लाइट भी इसकी ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है ना इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, कई दफ़ा इसको इसका पावर वाला बटन जो है इसको ऑन करके ऑफ़ करें 2 से 3 दफ़ा तो फिर इसका डिस्प्ले भी कई दफ़ा शो हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी डिस्प्ले नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर इसकी लाइट्स ऑन है, ऐसे लग रहा है जैसे मदरबोर्ड नीचे से जो है ना वो डिस्प्ले दे रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। चलें चेक करते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है इसको, किस एरिया में प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ये बैटरी उतार लेंगे सबसे पहले इसकी। अब ये इसके स्क्रू डी पैनल के जो है ना ये ओपन कर लेंगे। ये हार्ड वायर निकल गई इसकी, इसकी डीवीडी निकल गई है बाहर। अच्छी है, इसका डी कवर ओपन कर दिया, काफ़ी जो है ना वो गर्म हुआ है इसका। सबसे पहले इसका हमने ये देखें, ये सीमोस इसका उतरा हुआ है, इसकी सेटिंग मेरे ख्याल से सेव नहीं हुई। तो ये इसकी रैम चेक कर लेंगे सबसे पहले, ये चेक करिए इसको, कार्बन आया हुआ है रैम को, ये कार्बन आया हुआ है, इसकी ज़रा सफाई कर लेंगे अच्छी तरह, सफाई करके तो फिर इसको ऑन करते हैं। उसके बाद ये सीमोस का जैक भी है जो है ना उतरा हुआ, पहले इसको भी लगा के इसकी सेटिंग वगैरह भी सेव करनी पड़ेगी। पहले रैम इसकी जो है ना वो सफाई कर लेते हैं रैम की, ये स्लॉट्स भी हम साफ़ कर लेंगे इसकी। उसके बाद ये रैम भी सफाई की है इसकी रैम की भी, अभी रैम को ज़रा लगा के चेक कर लेते हैं। इसको ज़रा अडाप्टर पे ऑन करेंगे, ये इसका सीमोस का जो जैक है ये भी लगा लेंगे ताकि इसकी सेटिंग वगैरह सेव हो जाए। प्लग इन करते हैं, टर्निंग ऑन हुआ है, 2 से 3 दफ़ा इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ऑटो भी हो जाता है ये ऑन ऑफ। तो उसके बाद जो है ना इसको चेक करेंगे इसका डिस्प्ले, रैम लगा के भी डिस्प्ले नहीं है। ये रैम लगा के भी डिस्प्ले नहीं है इसका। तो ये हीट सिंक ओपन किया हमने, तो ये चेक करें इसको, पहले भी ग्राफिक चिप को जो है ना हीट लगी हुई है, ये चेक कर रहे हैं, ये लगी हुई है इसको जो है ना पेस्ट। तो अब इसको ओपन करके तो इसको हम थोड़ी सी हीट लगा लेंगे, ये इसको पेस्ट लगा के पहले भी हीट लगी हुई है, तो इसको अब ज़रा सफाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह, सफाई करके तो इसको पेस्ट लगा के तो दोबारा से रीसोल्ड करेंगे, यानी कि हीट लगाएंगे। ये जी ये सफाई कर ली है इसकी, अब इसको पेस्ट लगा के तो हीट लगाते हैं, ये पेस्ट है इसकी, पेस्ट लगा के इसको हीट लगाते हैं, थोड़ा सा इसे रीसोल्डिंग करते हैं, उसके बाद वो चेक करेंगे इसको।
ये इसको सोल्डरिंग करके तो ये लगाया, अभी इसको ऑन करते हैं। ये इसकी बायोस है,